इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपकी रियलमी की स्मार्ट टीवी एकदम हैंगिंग वगैरह सी दिखाई देती है और ऊपर यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरले, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रही है इतने हैंग वगैरह से, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। और सेटिंग्स में जाने के बाद ये सेटिंग्स है हमारी, उसके बाद हमें डिवाइस एंड प्रेफरेंसेस पर जाना है और यहाँ पर जो है हमें अबाउट में जाना है। और अगर हमें यहाँ पर अपडेट मिलता है तो सिंपली हमको अपडेट पर लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अगर अपडेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो यहाँ से बैक ला दीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक डेवलपर ऑप्शन होगा, उस पर जाना है और उसमें आपको सबको ही बंद कर देना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर बंद कर देना है। तो हमारा तो ये डेवलपर ऑप्शन की वजह से इशू था, इसलिए यहाँ पर ये ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पर ऊपर जाइएगा अबाउट फ़ोन में दोबारा और फैक्ट्री डेटा रीसेट मार लीजिएगा, ठीक है। इसमें डेटा वगैरह तो डिलीट होगा बट आपकी जो यहाँ पर स्क्रीन जो हैंगिंग वगैरह होगी वो ठीक हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो इतना से ही आपको प्रोसेस करना है बस, फिर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।